आप कहते हैं अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, अनुशासित संयमित न्याय के साथ विकास करेंगे, तो न्याय होनी चाहिए। जिसने भी संवैधानिक नियम को तार तार किया है, आसन को अपने पैरों तले रोंदा है, ऐसे लोगों को अगर जो सब कार्रवाई नहीं होती है, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा नहीं बचाई जाएगी, तो आप संवैधानिक पद पर बैठकर लंबी लंबी बातें करने से लोगों का विश्वास नहीं जगेगा। आज आप देखें कि संवैधानिक संस्थान के संदर्भ में कल सदन के अंदर क्या शब्दों का प्रयोग किया गया। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अपने पद की गरिमा का मर्यादा रखें, शालीनता के साथ भी अपनी बात को कही जा सकती है। मेरे मन के अंदर भी कई चोट लगा, सदन के अंदर संविधान के ज्ञाताओं ने संविधान का पाठ जिस तरह से पढ़ाने का प्रयास किए, हमने भी तो संयम रखा, हमने उस पदाधिकारी जो हमारे सदन के नेता थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उनके सम्मान में कमी नहीं रखा। और ये व्यवस्था चलनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष हो या नेता सदन हो या हमारे माननीय मंत्री हो या हमारे विधायक हो, हर का सम्मान मर्यादा के तहत होनी चाहिए। उस सदन में न कोई बच्चा है, न ही कोई बड़ा है, न ही कोई भतीजा है, न ही कोई चाचा है, सब बराबर है। तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा, मान बराबर है। और अगर जो तुलसी के पत्ते में जो भेद करता है, आप समझ सकते हैं कि कितने ज्ञानवान हैं, कितने वो संविधान के ज्ञाता हैं। और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि कल सभा पटल पर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, करनी कथनी में समरूपता है, तो सभा पटल पर दोनों प्रतिवेदन को रखें और इस पर एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए। पारदर्शिता के साथ बिहार की जनता देखे कि सचमुच में भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं लोग या सत्ता के आड़ में भ्रष्टाचार को पोषित करना चाहते हैं। पहला प्रतिवेदन क्या था, दूसरा तो आपने बताया। पहला प्रतिवेदन हमने बताया आपको, विशेष कमेटी के माध्यम से 7 निश्चय के तहत कुशल कौशल विकास का, बच्चों को कुशल करने का कार्यक्रम जो संस्था श्रम संसाधन विभाग से चलाई गई है, उसके संदर्भ में था। दोनों विषय पर प्रतिवेदन कल आए, कल प्रतिवेदन वो रखें। बिहार के लोग प्रतीक्षा कर रहा है कि एक सशक्त विपक्ष मिलना चाहिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि सरकार के अच्छे कामों का और सरकार की घोषित नीति का, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस को प्रतिपक्ष उतारेगा जमीन तक, ब्लॉक से थाना तक, हर विभाग तक। मुख्यमंत्री जी, प्रतिपक्ष को आप सिर्फ ईमानदारी से उत्साहित करें, आपके नीति को भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का मैं संकल्प लूंगा। और इसकी शुरुआत, इसकी अग्निम परीक्षा कल के प्रतिवेदन से है। इस प्रतिवेदन को आप सभा पटल पर रखें। क्या करेंगे सर, अगर मान लीजिए अगर नहीं सरकार मानती है तो क्या करेंगे आप? उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। हमारा करनी कथनी में अंतर नहीं है, हम संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं,
आज आपने देखा कि जब हमारी अध्यक्षता की बात आई, विधानसभा के अध्यक्ष बनने के लिए लोग जानते थे कि मेरा बहुमत है, फिर भी लोगों ने उम्मीदवार खड़ा किया। चुनाव भी हुआ 52 वर्ष के बाद विधानसभा के अंदर, हम चुने भी गए। संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठाने के लिए नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों आए, लेकिन कितना अच्छा माहौल होता कि अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता है, अध्यक्ष सदन का अध्यक्ष है, उस पर सभी का अधिकार बराबर है। और हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि अध्यक्ष के उम्मीदवारी पर हम सर्वसम्मति बनाएंगे, हम भी सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। विधानसभा के अंदर अपने दलीय नेताओं के साथ सब लोगों के भाव को लेकर हम संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हैं।